हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी टुडे आई विल डिस्कस साइंस और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के Quiz Class 36. और आज का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा ट्वेंटी फर्स्ट 2018 एटीन के नेट क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन enjoys or bounds all authorities to act in the aid of the Supreme Court of India. So कौन सा ऐसा article है constitution का जो enjoy करता है और bound करता है all the authorities to act in the aid of the Supreme Court जो Supreme Court के अंदर authorities को enjoy करता है मतलब bound है आर्टिकल 141 या 142 या 144 या 135 करेक्ट so, आंसर है 144 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूशन कैन द सेम पर्सन बी गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कौन से बाय विच अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट के दौर पर मतलब अमेन्डमेंट के थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कैन द सेम पर्सन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर एक साथ मतलब गवर्नर एक राज्य के साथ दो राज्य में या एक से ज्यादा राज्य के साथ यूनियन टेरिटोरीज में भी गवर्नर बन सकते हैं कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सिक्स अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन या फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी so, फाइव सो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सॉरी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर एसेटेशन रीजन दी गई एसेटेशन में बताया गया है कर्टल कॉल्ड बेंथम सूटेटरियन डॉक्ट्रीन एस पिक फिलोजी कर्टल ने बेंथम के यूटेटरियन डॉक्ट्रिन को पिक फिलोजी कर कह के बुलाया है ओके okay? रीजन क्या है टू हिम उनके हिसाब से हैप्पीनेस इज मच मोर देन प्लेजर हैप्पीनेस प्लेजर से बहुत ज्यादा कुछ है ऑप्शन वन है दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन टू कहते हैं कि ए फॉल्स है आर ट्रू है एंड ऑप्शन थ्री में ये बताया गया है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है एंड ऑप्शन डी में दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन यहां जो आंसर होगा वो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एज वेल एज ये करेक्ट आंसर है सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का ज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको डेवलपमेंट को सजाना होगा न्यूबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स जनरल ऑफ सी पी एस यू या इस्लामिक रिवोल्यूशन इन ईरान या ऑप्शन डी सी एस एस सी एस सीई मीटिंग फॉर फॉर्मली एंडिंग द कोल्ड वॉर्ड सो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना होगा सो so, सबसे पहले जो हुआ था वो था न्यूमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स उसके बाद हुआ था इस्लामिक रिवोल्यूशन उसके बाद हुआ था गौरवाजिप का अपॉइंटमेंट एंड लास्ट में कोलवर का एंड ओके सो करेक्ट आंसर इसलिए होगा ऑप्शन थ्री वन थ्री टू फोर ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एरिस्टोटल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट नेसेसरीली क्वालिफाई टू बिकम एन एथेनियन सिटीजन ओके

कौन सा नेसेसरी क्वालिफिकेशन नहीं है एक राज्य में बसवास करना या वहां पर रहना या एग्जाइल होना या सिटीजन सिटीजन फ्रॉम सिटीजन ओके सिटीजनशिप निकाल देना सो करेक्ट आंसर जो होगा वो चारों ही होंगे वो नेसेसरी कौन किसी को भी नहीं मानते कि उनका जो सिटीजनशिप का बेसिस था वो अलग था ऑप्शन डी वन इज द सॉरी ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल क्या है हाई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहते थे बढ़ाना चाहते थे या वर्कर्स का वेलफेयर चाहते थे या जेनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट को जेनरेट करना चाहते थे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन हायर इंडस्ट्रियल एफिशियंसी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दॉट करेक्ट करेक्ट कौन सा नहीं है ओके

सामाजिक रियल ट्रूथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट एलिमेंट्री चाइल्डहुड अप टू द एज ऑफ सिक्स सिक्स तक चलता है पब्लिक थर्टी में सेकेंड सिलेक्टिव टेस्ट होता है ओके सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर करेक्ट बोल रहे हैं सो ऑप्शन चारों ही करेक्ट है सो वन टू थ्री फोर इज करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एसेटेशन रीजन है इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर पे नहीं सोसाइटी पे रीजन क्या है क्वालिशन गवर्नमेंट आर द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन हेट्रोजेनस सोसाइटी जो क्वालिशन गवर्नमेंट है वो मोस्ट सुटेबल फॉर्म है गवर्नेंस का हाइड्रोजेनस सोसाइटी में तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा दोनों ही करेक्ट है एंड करेक्ट लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ओके okay? सो so, ये करेक्ट आंसर है सो बोथ ऑप्शन ए एंड ए आर ट्रू आर आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत पंचायत के ड्यूरेशन के बारे में ये स्टेटमेंट फर्स्ट है टर्म ऑफ ए पंचायत

आई होप दिस इज द टेन क्वेश्चन सीरीज सो मैं टेन क्वेश्चन यहाँ पर समझा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में और टेन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी तब तक के लिए थैंक यू कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग